टेककॉन इंदौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एसडीएम सत्यनारायण दर्वे के साथ पूरे प्रशासनिक अमले ने कोरोना वायरस से संबंधित सुरक्षा के सारे इंतजाम देखे, जिसमें जांच में पाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। न ही श्रमिक मुंह पर मास्क लगाए हुए हैं, न ही गेट पर थर्मल स्कैनिंग ठीक से हो रही है और न ही सैनिटाइजर रखा हुआ था। इसके बाद सिंगाम फार्मास्यूटिकल कंपनी में पूरी टीम ने जाँच के लिए वहाँ भी देखा कि गेट पर थर्मल स्कैनिंग नहीं हो रही है, सैनिटाइजर भी नहीं है, गोले ठीक से नहीं बनाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन नहीं हो रहा है। सिंगकाम फार्मास्यूटिकल में यह भी देखने में आया कि बसों के अंदर जो बसें 32 सीट वाली है उनमें करीब 28 स्टाफ के व्यक्ति बैठे थे, जबकि शासन का निर्देश है कि एक सीट पर एक ही व्यक्ति बैठा जा सकता है। उसमें प्रत्येक कंपनी के 25,000 का स्पॉट फाइन काटा गया, यानी कुल 75,000 स्पॉट फाइन लिया गया। तहसीलदार विनोद राठौर ने बताया कि यदि कंपनियां सुरक्षा के इंतजाम दिशा निर्देशों के बाद भी नहीं करती है तो 228 और दंड संहिता और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कंपनी परिसर पर कार्यवाही होगी। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। सर, आज जिला प्रशासन और नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है, कितने की चालानी कार्रवाई है, क्या क्या सर कंपनियों के अंदर जो है नियमों की अनदेखी हुई है? आज ये जिला प्रशासन के निर्देशानुसार एसडीएम साहब और पुलिस और नगर पालिका टीम संयुक्त रूप से कंपनियों में निरीक्षण किए हैं और लगभग 3-4 कंपनियों को जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए हैं, मास्क नहीं पहने हैं और कम उम्र के बच्चों को भी कई कंपनी में मिले हैं, तो उन्हें अभी जो अर्थदंड से दंडित किए हैं, 25,000 सभी को जुर्माना किए हैं और हिदायत दिया गया है कि नियमों का पालन करें, अपना खुद का बचाव करें, श्रमिकों का और शासन का जो दिशा निर्देश हैं उसका कड़ाई से पालन करें, सख्ती से पालन करें, ये उनके समझाइश दी गई है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और नगरवासियों से भी अपील है, निवेदन है, जो भी श्रमिक हैं तो वो भी नियमों का पालन करें, खुद की सुरक्षा करें और अपना बचाव रखें। थैंक यू सर। आज क्या जिला प्रशासन की ओर से जो है एसडीएम साहब और आपने क्या कार्रवाई की है और कितने का चालान काटा है, आगे कंपनियों को क्या सख्त निर्देश रहेंगे? आज एसडीएम साहब के नेतृत्व में नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, लेबर विभाग और हमारे द्वारा सामूहिक रूप से कंपनियों का निरीक्षण किया गया, जहाँ निरीक्षण में ऐसी कंपनियाँ मिली जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था या गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है और प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं हो रहा था। तो चूँकि ये प्रथम बार में हमको ये मिला है कि उनके द्वारा निर्देशों का अवहेलना की जा रही है, हमने प्रत्येक कंपनी में 25,000 रुपये का जुर्माना किया है। मुख्य रूप से 3 कंपनियों में निरीक्षण में ये पाया था, हम आगे भी सतत कंपनियों का निरीक्षण करेंगे और ये एक जागरूक करने का प्रयास है कंपनियों को कि वो अपने यहाँ सभी निर्देशों का पालन करें ताकि पीथमपुर जिसमें अभी 0 केस हैं कोरोना के, वहाँ 0 ही बने रहें और आगे कोई केस ना आए। सर, आज राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करी है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और सुरक्षा के सारे इंतजाम, क्या क्या करिए सर, कैसे आपने सख्त हिदायत दी कंपनी वालों को? पीथमपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें लॉकडाउन के दौरान कुछ कंपनियों को अनुमति दी थी और लॉकडाउन के बाद भी अभी जो अनुमति दी है कोरोना महामारी से सोशल डिस्टेंसिंग का, इसमें एसडीएम साहब और स्थानीय नगरीय प्रशासन के साथ में मिलके आज उनके द्वारा कार्रवाई की गई है और उसमें कुछ जगह स्पॉट फाइन किया गया है और कुछ जगह एसडीएम साहब द्वारा हिदायत दी है और ये मैसेज है कि अपने व्यवसाय के लिए इस महामारी को ना भूलें, इसमें अपने और प्रशासन ऐसा लगातार कार्रवाई करता रहे। आगे भी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी जहाँ पे इसमें, क्योंकि अभी हम इसको हराने में सफल पूरी तरह से नहीं हो पाए हैं तो ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।